रही है उन हिंदू लोगों के लिए, मैं कहती हूँ कि थू है तुम पर, बहुत बड़ी थू है तुम पर कि तुम नीचता वाले लोग उसके घर जाते हो, उसने शर्याम बोला और वो 12 बजे के बाद बोल रही है, वो कह रही है कि 12 बजे के बाद आओ। उसने ये कन्फर्म नहीं किया एडवोकेट साहिबा के 12 बजे दिन के बाद आए कि रात के बाद आए, हवस में आई वो। और उनका भाई बोल रहा है जी वो पहले नेपाल आई थी, 5-7 दिन वो नेपाल रही, उसने 15-16 लाख वहां खर्च किए और 5 साल क्या करने आई थी, उनके भाई साहब कह रहे मर्दानगी चेक, मर्दानगी चेक करने आई थी सीमा, सीमा उसकी। फिर जब उसने मर्दानगी चेक की कि सचिन मर्द है ना, सचिन मर्द है तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ, फिर वो दोबारा गई और बच्चों को चोरी लेकर आई। एक महिला चोरी कैसे आ सकती है, बिल्कुल इसमें कई लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक महिला को सारे रास्ते कैसे पता, मुझे ये समझ नहीं आती। बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है। और इन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, ये जो लोग मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, हजारों लोग करोड़ों लोग मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से देखे, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ बेशर्मो, जिस दिन तुम्हारी बहन भी इसी तरह किसी प्यार में पागल होगी ना, उसके लिए भी यही कमेंट करना कि सीमा ने सही किया, सीमा प्यार की खातिर आई थी। और मैं बता दूं, जो लोग उसके घर पे जाते हैं गिफ्ट दे के आते हैं, पैसे दे के आते हैं, मैं उन बेशर्म लोगों के लिए दो शब्द कहूंगी कि आइएगा किस दिन, आपको मैं सिग्नेचर ब्रिज लेकर चलूंगी यहां पर, जो जंगल में आप आइएगा एडवोकेट महोदय, किस दिन आइएगा मैं आपको लेकर चलूंगी यहां जंगल में, मतलब यहां जैसे आप ऊपर खड़े हो तो कितनी नीचे जाकर जंगल में वो पाकिस्तान के हिंदू लोग जिन्होंने अंदर मंदिर भी बना रखा, जंगल में रहते हैं, जिनके पास रात रात को रोज सांप भी आते हैं, नील गायें भी आती, जंगली सुअर भी आते हैं, जब मैं जाती हूं तो वो लोग रोते हैं कि माता जी हमारा कोई बंदोबस्त करा दो। और जब बाढ़ आई थी ना बेचारे रोड पर, हाईवे सिग्नेचर ब्रिज अगर आपने देखा, हाईवे पर बेचारे सोए हुए थे, उनका मुझे फोन आया, मैं क्या कर सकती हूँ अकेली, बताओ। सिग्नेचर ब्रिज पर देख लो, मजनू का टीला चलो मेरे साथ, आप रोहिणी 26 सेक्टर चलो, 4 सेक्टर चलो, पाकिस्तान से आए हजारों लोग बेघर बैठे हैं, हजारों लोग पाकिस्तान से जिनको मारकर भगाया। और ये बेगैरत के लिए ये लोग जा के, मैं कहती हूँ कि भाई भगवान करे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ इसी तरह सीमा की तरह ही निकले, क्योंकि जो अगर मैं किसी को अच्छा समझ रही हूं तो उसमें मैंने कुछ गुण देखे, तो मैं भी यही चाहूंगी ना मेरे बच्चे इसी की तरह बने। तो मैं कहती हूँ जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, हे महाकाल बाबा, उनके घर में भी या उनकी बेटी बहन और उनकी बीवी एक जाना तो जरूर सीमा हैदर की तरह निकले, अपने यार के साथ तुरंत भाग जाए, भाई आनंद आ जाएगा, इनको आनंद आएगा, इनको फिर पता लगेगा सत्य सत्य क्या चीज होती है और झूठ क्या चीज होती है। ये तो सीमा हैदर जानती है कि रात को 12 बजे के बाद वो कहती ना देखो सचिन सो गया, सचिन सो गया, मैं लाइव आ गई हूँ, है ना। तो भाई अभी उसके अंदर जो कुछ समझ सकते हो आप, एक महिला हो तो अभी वो बकायदा जिंदा है, तो इसलिए आप समझते नहीं हो, वो बहुत खेली खिलाड़ी महिला है, वो कोई मामूली महिला नहीं है। अब मैं सारी बातें यहां बता नहीं सकती हूँ, मुझे एक एक मिनट की रघुपुरा से खबर आती है इसकी कि ये क्या कर रही है, इसने क्या बोला, इसने क्या खाया, ये कैसे कर रही है, और इसके घर में कौन आया, कितने लोग आए, और ये कैसा एटीट्यूड दिखाती है। और वो कहते हैं रोज की माता जी मान के चलो कि एक पाव क्रीम इसके मुंह पर लगती है, कह रहे इसका मुंह धुला के अच्छी से इसकी शक्ल देखो। और ये आप कह रहे हो ना सचिन, सचिन अभी 18-20 साल का है मुश्किल से, और ये 40 साल उसकी माँ की उम्र की है, उसकी माँ की उम्र की है, और अपनी बेटियों को उसको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, गैर पुरुष से अपनी बेटियों को मुंह पे उसके चुम्बन करवाती है, उसका मुंह चाटती है बेटियां। अरे आज तक मैंने, ठीक है मैंने बाप बेटी का बहुत प्यार देखा है, बहुत देखा है, पर मैंने 2400 घंटे ऐसा कोई बाप नहीं देखा जो 2400 घंटे अपनी बेटी का चुम्बन करता रहे या चुमाता रहे अपना मुंह। थू है, लानत है हिंदुओं तुम पर, बहुत बड़ी थू है। तुम अगर सीमा के घर जाते हो ना तो एक बार मेरे से बात करो और फिर कहो सीमा सही है, फिर मैं तुम्हें जवाब दूं। मुझे तो
ये तो पता भी नहीं लगने देते। पूछो कोई पोस्ट डालता सीमा के घर जाकर, कभी देखी सोशल मीडिया पर किसी बंदे ने डाली हो कि मैं सीमा देवी से मिलके आया हूं, ले जाओ घर पे, चार चार दिन एंटरटेनमेंट करो अपना, बीवियों को भगा दो, इतनी सीमा अच्छी लगती। तो ये गिरे हुए तो हमारे इंसान है भाई। मैं तो मुसलमानों को सच पूछो तो हाथ जोड़कर कहती हूँ मुसलमान लोगों को, भाई तुम जैसी एकता मैंने कहीं नहीं देखी। सच में सल्यूट है मुसलमानों को कि उन्होंने एक बंदे ने इसकी सपोर्ट नहीं की, थूका है इसके मुंह पर, थूका। और मैं कहती हूं, कल को लोग कह रहे हैं आप हैदर का, मैं हैदर का सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे हैदर से कुछ लेना देना नहीं, मैं एक बाप का सपोर्ट कर रही हूं, सिर्फ एक बाप का जो अपने बच्चों के लिए कमाने गया था और आज उसकी शक्ल देख लो क्या हुई पड़ी है, और लाखों रुपए इसको भेजे, आज उसका मजाक उड़ा रही है, आज उसका पत्रकारों के साथ एक दो पत्रकार है चाटुकार जो इसके बेड पे लेटे रहते जाके, ये मजाक उड़ा रही है, उनके साथ मिलकर कह रही है कि बकवास कर रही है कि वो तो डंकी वो था उसमें लड़कियों के साथ। हाँ हाँ अच्छा, आपको एक अहम बात बताती हूँ, जिससे मेरे पास वो कागज आए थे, इससे पूछो कि लड़का, मैंने तो आज तक, शायद आप एडवोकेट हैं आपने देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लड़की शादी करने अपने शहर से आती है, आपने कभी देखा है? नहीं, इस तरह तो नहीं, लड़का ही लड़की को भगा कर ले जाता है। यस, लड़का भगा के ले जाता है, या लड़का जहां लड़की का मंडप सजा होता है दूल्हा जाता है, ना कि दुल्हन आती है। इसके कागजात आज भी आप हैदर को बोलोगे तो हैदर आपको भेजेगा, इसके कागजात हैदर ने मुझे भेजे, ये अपने घर से, इसके घर का और हैदर के घर का 200-250 किलोमीटर का फासला है, ये मिस कॉल वाला प्यार था हैदर के साथ, ये अपने घर से परेशान थी और इसने हैदर, मैंने हैदर को भी बोला कि तुझे तेरी बड़ी पत्नी की बद्दुआएं लगी हैं बेटा, तूने इसके कहने से उसको तलाक दिया था ना, तूने इसके कहने से अपने बच्चे छोड़े थे ना, तो आज परमात्मा ने तेरी करनी की सजा तुझे दे दी। वो बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल माता जी, मुझे सजा मिली है। दूसरी बात, उसने वो कागज भेजा जो ये वहां से भागकर हैदर के पास आ रही और यहां पर इसका नकाह हुआ, जहां हैदर रहता वहां नकाह हुआ, जहां भी ये करवाते हैं उसके कागज उसने हैदर ने मुझे भेजे। उसके पास एक एक ये झूठी महिला का प्रूफ है, ये सिर्फ जो इसको पढ़ाया जा रहा है, जो इसको बोलने के लिए कहा जा रहा है, ये तोते की तरह सिर्फ वो बोल रही है, अदरवाइज इसकी औकात नहीं है। और सरकारों से बहुत जल्दी मैं जवाब मांगूंगी, बहुत जल्दी मांगूंगी जवाब कि भाई हमें बता दो कि ये यही रहेगी, ये आपने पाल ली है, ये सभी सभी सरकार के लोगों ने, जितने भी विधायक मंत्री संतरी बड़े छोटे सब ने इसको पाल लिया है, तो हम शांत हो जाए भाई, आप पाल लो इसको, अगर कोई घटना घटी तो फिर भैया मेरे से बुरा कोई। देखिए मैं आपको एडवोकेट महोदय एक बात बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं, मैंने ये चीज देखी है। और सच में मेरा पता क्या दिल करता है कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से कट जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई अगर कोई गरीब है तो हम उसका क्यों मजाक उड़ाएं। अरे जब वो परमात्मा चाहेगा ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, मैं बताऊं पर पड़ती बहुत जोर से है। मेरा ना दिल दुखता है इन चीजों से कि अगर कोई गरीब है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके साथ ऐसे हो जाओ कि उसको लगे कि ये मेरे से, उसको लगे ही ना कि मैं गरीब, उसको अपने जैसा समझो। अरे तुम क्या बोल रहे हो कि हैदर तू रिक्शा चलाता था, शर्म नहीं आती लोगों को जो बोल रहे हैं कि हैदर रिक्शा चलाता था? मैं उसे पूछना चाहती हूं कि वो रिक्शा चलाकर अपनी इज्जत पे कायम था, तुम तो इतने बड़े बड़े पद पे बैठ के बेइज्जत हुए पड़े हो, बेइज्जत बेलज्जा जिसको कहते हो, तुम इतने बड़े पद लेकर इतने पढ़ लिख कर तुम बेइज्जत हो। वो इज्जतदार था, रिक्शा चलाकर, मेरे घर में जो मेड आती है वो पता नहीं 5-7 घरों के जूठे बर्तन मांझती है, वो झाड़ू पोछा करती है, है ना। तो मैं कहती हूं मैं उन लोगों से ज्यादा अपनी मेड को, इन काम वालियों को, इन मोची को, इन नाई को, रोड पर बैठे छोटी छोटी मूंगफली बेचने वालों को मैं नमन करती हूं। कम से कम रंडी बाजी करके, इसकी तरह नाच करके महिलाएं जो धंधा भी करती है ना,
मैं आपको बता दूं, जो धंधा भी करती ना अपने बच्चों का मजबूरी में पेट पालती, जिन जिनके पास कोई चारा नहीं होता, वो धंधा भी पर्दे में करती है कि मैं समाज में बदनाम ना हो जाऊं। और ये धंधे वाली से भी गई गुजरी महिला कि तू शरेआम वीडियो पे नाच नाच के अंग प्रदर्शन करके, और हमारे भाई साहब देखो कैसे देखते हैं, कल भी देखो लाइव में, कल लाइव चल रहा था तो उसको कैसे देख रहे थे भाई साहब। मैं तो सच में, मेरा दिल करता मैं सोशल मीडिया उड़ा दूं, क्योंकि मुझसे ये, मुझे बहुत बुरा लगा जब हैदर के लिए ये बात बोली गई, रिक्शा चलाता था। अरे भाई मेरे लाखों ऑटो ऑटो चलाने वाले हैं, लाखों लोग मेरे भाई ऑटो चलाते हैं, मेरे भाई लाखों मेरे बच्चे रिक्शा चलाते हैं, है ना, मेरे लाखों भाई रेडी वो जो होती है जिसमें लोया और लोगों का सामान लेकर जाते हैं, तो मुझे गर्व है उन पर कि अपनी इज्जत की रोटी, अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खवा खिलाते हैं, कम से कम उनकी जनानियां उनकी महिलाएं घर में नंगा नाच नहीं करती, वो दो चपाती की जगह एक खाती है पर इज्जत की खाते हैं वो लोग। ये भी रिक्शा में बैठी थी और जो लोग कह रहे हैं ना मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी माँ बहने भी रिक्शा में बैठी थी, उनसे भी उनको मार के पूछो कहीं हैदर के साथ उनके नजायज संबंध तो नहीं थे, पूछो पूछो पत्र महोदय जी, पूछो उनसे भी कि उनके साथ उनकी रिक्शा में उनकी माँ बहने बैठी थी, अगर बैठी थी तो कोई संबंध तो नहीं था। मतलब तुम एक रिक्शा, अरे रिक्शा चलाने वाले का मजाक लाखों रुपए भेजता था, इसको पूछो इसका बाप जेदार छोड़ गया था, इसका बाप FD दे गया था इसको 35-40 लाख की, ये भगोड़ी लोगों के पैसे लेकर भागी, ये लोगों के मोबाइल, वो मोबाइल वाला रो रो के लाइव आकर बोल रहा है कि मेरा 1 लाख रुपया। अरे भाई है, भाई के पास करोड़ों रुपए, 1 लाख रुपया दे दे उस बेचारे की जिंदगी बच जाए, और ये चोरनी वहां से चोरी करके सामान लोगों के भाग ली, पैसे लेकर भाग ली, तारों के नीचे से भाग ली, पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या इसने कर्म किया जो इसको उन्होंने हिंदुस्तान तक पहुंचाया, पता नहीं कितने रास्तों से ये क्या क्या करके आई है, ये तो भैया इसका इसका अल्लाह जाने और या ये जाने।